हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विरद, मैं आप लोगों का सिलेक्शन मेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीपीसीएस के द्वारा आरओ एआरओ की तैयारी करने वाले जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। यदि अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो आरओ एआरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 का पेपर देने वाले हैं, तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये पेपर जो है 2016 में आयोजित किया गया था, उसको जो है फिर दोबारा से 2019 में इसको फिर से कराया जाना तय किया गया था। 2020 में भी इसकी डेट दी गई, लेकिन फाइनली कोरोना और इन सब चीज़ों के बढ़ते बढ़ते डेट बार बार पोस्टपोन हो रही है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। यदि अगर आप यूपीपीसीएस 2020 की तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेक्शन मेंटर ने एक बैच शुरू किया है जिसका नाम है सफलता बैच, जो कि शुरू हुआ है 20 अगस्त से। जी हाँ दोस्तों, 5 दिन पहले शुरू हुआ है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें फटाफट सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, रिवीजन के तौर पर रखा जा रहा है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं इसके आधार पर पूरा सिलेबस यहां पर कंप्लीट कराए जाने की कोशिश करी जा रही है। जितना से ज्यादा ज्यादा हम लोग यहां पर कंप्लीट कर सकते हैं कर सकते हैं। दोस्तों, ये बैच पूरी तरीके से निःशुल्क है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि समय काफी ज्यादा कम है, 50 दिन के आसपास लगभग बचे हुए हैं, तो समय काफी ज्यादा कम है। इस वजह से इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, तो आप इससे बेझिझक जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए जो इंपॉर्टेंट पात्रता है, योग्यता जो है, वो ये है कि आप बहुत ही डेडिकेटेड कैंडिडेट होने चाहिए। फालतू टाइम पास नहीं करना है आपको, क्योंकि समय बहुत ज्यादा कम बचा है। अगर आप इस तरीके से तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो अपने नाम के साथ यूपीपीसीएल 2020 लिखकर 8953595687 पर व्हाट्सएप करिए। दोस्तों, यदि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को प्रेस करना जरूर भूलिए, जिससे कि इस तरीके के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हैं, नोटिफिकेशन जो हैं, वो आपको टाइम टू टाइम मिलते चले जाएं। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यूपीपीसीएस के द्वारा जो है आरओ एआरओ को लेकर के क्या बड़ा यहां पर नोटिफिकेशन आया है। आइए सबसे पहले आयोग की वेबसाइट में चलते हैं। आयोग की वेबसाइट को खोलने के बाद हम यहां पर क्लिक तो कंटिन्यू में करेंगे और नोटिस को देखेंगे। जो नोटिस यहां पर है, नोटिस में सबसे पहला नोटिस है जो कि यहां पर आपको विजिबल हो रहा होगा, दिख रहा होगा, नोटिस रिगार्डिंग रिव्यू ऑफिसर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एग्जाम 2016। इसको जब हम ओपन करते हैं तो आपको यहां पर एक नोटिफिकेशन यहां पर दिखाई देता है, और ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं कि 24 अगस्त 2020 को यहां पर ये लगाया गया है, यानी कि कल जो है ये अपडेशन दी गई है। और इस अपडेशन के अकॉर्डिंग लिखा है, एतत द्वार सूचित किया जाता है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि सामान्य विशेष चयन प्रारंभिक परीक्षा 2016 विज्ञापन संख्या A3E1 2016 दिनांक 27/9/2016, जिसका आयोजन 13 सितंबर 2020 को प्रस्तावित था। तो आपको मालूम है सभी लोगों को कि एग्जाम जो है अभी हाल ही में 13 सितंबर को होने वाला था, 13 सितंबर को ये एग्जाम होने वाला था, लेकिन बताया गया है कि कुछ अज्ञात कारणों से, अपरिहार्य कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया है, और उक्त परीक्षा अब हमारी जो होगी वो 20 सितंबर 2020 को आयोजित करी जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिए अपने दिमाग में कि आपके पास में लगभग एक हफ्ते का समय और इंक्रीज हो गया है। 13 सितंबर की बजाय अब ये किसी कारण से 20 सितंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा नियंत्रक की ओर से ये कहा गया है, यूपीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र जी हैं, जो उनके तरफ से आयोजित किया गया। तो आप देखिए 20 सितंबर आप अपने कैलेंडर में नोट कर लीजिए, 20 सितंबर, एक हफ्ते की डेट पड़ गई है। तो कुछ बच्चे जो चाह रहे थे कि उनकी थोड़ी सी डेट बढ़ जाए, थोड़ी सी प्रिपरेशन कम हुई है, तो एटलीस्ट आयोग की तरफ से उनके लिए खुशखबरी है, और वे 7 दिन का एक एक्सटेंशन जो है उनको मिल गया है यहां पर 2020 के इस पेपर को करने के लिए। दोस्तों, आरओ एआरओ में मुख्य रूप से जीएस और हिंदी, ये दो सब्जेक्ट आते हैं। दोनों में अगर देखा जाए तो 140 नंबर की आपकी जीएस आएगी, और 60 नंबर की जो है वो आपकी हिंदी आती है, और हिंदी में भी बहुत ही सामान्य सी हिंदी आती है। हालांकि इसमें अगर आप 50 से अधिक या 55 से अधिक स्कोर नहीं करेंगे, तो आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। हिंदी में 50 से अधिक 55 से अधिक नंबर लाने के लिए आपको मैं नीचे जो है हिंदी के वीडियोज का लिंक मैं शेयर कर रहा हूं, आप उसको आराम से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, और किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें 8953589537 इन नंबरों पर हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार के अपडेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। इसी के साथ एक और इन्फॉर्मेशन है कि कुछ लोग अगर यूपी बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, और वे चाहते हैं कि मेंस का उनके लिए बैच चलाया जाए, तो मेंस का बैच 1 सितंबर से चलाए जाने का प्रावधान मैं कर रहा हूं, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि एक निश्चित संख्या बच्चों की हो जानी चाहिए। अगर एक निश्चित संख्या बच्चों की होगी, तभी 1 सितंबर से हमें बैच शुरू करेंगे, अदरवाइज नहीं शुरू करेंगे, ठीक है।
फिलहाल आप लोगों का अगर ये बैच शुरू कराना है तो आपको क्या करना है, बीईओ मेंस लिख करके अपने नाम के साथ इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। और यूपीपीसीएस का जो बैच चल रहा है सफलता बैच, उसमें आपको जुड़ने के लिए भी यही काम करना है, उसमें यूपीपीसीएस 2020 लिख करके आपको जुड़ना है। अगर आप आर ओ ए आर ओ की तैयारी कर रहे हैं तो आर ओ ए आर ओ की तैयारी के लिए भी आपको यूपीपीसीएस का बैच बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको इंपॉर्टेंट लिंक वगैरह सब कुछ मिलेगी यहां पर, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो बहुत सारे लोगों को ये जरूर जानकारी दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास ये अभी खबर नहीं पहुंची है, तो उन्हें जल्दी जल्दी ये खबर पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही, फिर नए नोटिफिकेशन के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।